मिशन 2018 को जीतने में जुटे ज्योतिराज सिंधिया, परिवर्तन रैली से सत्ता परिवर्तन की कोशिश। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सियासी वनवास खत्म करने के लिए जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस के चुनाव अभियान अध्यक्ष ज्योतिराज सिंधिया विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। देश में नया सूर्योदय होगा और एक लोकोन्मुखी जनसेवा की सरकार कांग्रेस पार्टी के रूप में स्थापित होगी। जो सरकार जनता के अर्जी के आधार पर नहीं, लेकिन जनता के मर्जी के आधार पर चलेगी। मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस ने घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री का चेहरा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की जनता है, मध्य प्रदेश का किसान है, मध्य प्रदेश की महिला है, मध्य प्रदेश का नौजवान है, जिनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नहीं है, ये चुनाव बीजेपी और प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के बीच में है। प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी का जिताऊ उम्मीदवार होगा। जो भी जिताऊ उम्मीदवार है उसको टिकट दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी अपने आप में सर्वे बढ़ते पेट्रोल के दाम पे क्या कहना, आधार पर प्रत्याशी चुना जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। मानो जन आशीर्वाद यात्रा नहीं, जनता को आशीर्वाद देने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। सिंधिया ने मंदसौर गोलीकांड, नोटबंदी, भावांतर योजना, बढ़ते पेट्रोल डीजल के भाव, 24 घंटे बिजली देने के वादे मुद्दे आदि अपनी झूठी प्रशंसा खबरों में विज्ञापन देकर करवाना जैसे अनेक मुद्दों पर मोदी व शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। उसमें सबसे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, किसान, नौजवान साथी जो हमको एक समर्थन दिया है कांग्रेस को, मैं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नगर पंचायत अध्यक्ष जी, जिला पंचायत सदस्य जी, जनपद सदस्य जी, सरपंचगण सभी का, मैंने सारे लोगों ने जो मिलकर समर्थन दिया वो एक मालवा को नया संदेश देगा और मध्य प्रदेश में एक परिवर्तन की लहर की शुरुआत आज हुई है उसे लग रहा है। कोई गुटबाजी नहीं, कांग्रेस को मजबूत करना है। मध्य प्रदेश में कोने कोने पे आदरणीय कमलनाथ जी भी सभा कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के कोने कोने में ग्रामीण अंचल में आदिवासी हरिजन भावुल क्षेत्र में और STSC सामान्य पिछड़ा वर्ग सबदूर ज्योतिराज सिंधिया और कमलनाथ दोनों अपनी अपनी जगह जा रहे हैं और दोनों ही कांग्रेस के लिए संकल्प लेकर जा रहे हैं। दोनों ही जगह वापस अगर 2-4 क्षेत्र में चुनावी माहौल में 2 सभा हो रही, हो सके राहुल गांधी की, हो सके आने वाले समय में और भी बड़े राष्ट्रीय लीडर की हो सके। 5 दिन